हेलो फ्रेंड, मैं सविता। सविता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सांभर जो साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सांभर बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं अरहर दाल। अरहर दाल को तुअर दाल भी बोला जाता है। तो इसमें पानी डाल करके हम अच्छे से धो लेते हैं ताकि दाल पे अगर पॉलिश हो तो छूट जाए। तो हमने एक पानी से धो लिया है। इस पानी को हम पौधों में भी डाल सकते हैं। दूसरे पानी से भी हम इसे धो लेते हैं अच्छे से। इस पानी को भी फेंके नहीं, पौधों में ही डालें। तो हमने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम कुकर लेंगे और कुकर में दाल को डाल देते हैं और साथ में ही इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी हम 1.5 गिलास डाल देते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1/2 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक हम दाल के हिसाब से डाल रहे हैं। अब इस पर हम ढक्कन चढ़ा करके गैस पर रख देते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं और आँच को मीडियम टू लो कर देंगे और इस पर कुकर को रख देते हैं। जैसे ही 3 या 4 सीटी लगेगी गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, इसमें 1 बड़े चम्मच राई डाल देते हैं। राई पटाखा छोड़ने लगी है। अब इसमें हम चना दाल, उड़द दाल, लाल मिर्च और हींग को डाल देते हैं। सांभर में चना दाल और उड़द दाल जरूर डाला जाता है। इसे हम 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेते हैं। 15 से 20 सेकंड भूनने के बाद इसमें हम करी पत्ते डाल देते हैं। करी पत्ते से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। करी पत्ता भून गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके डाला है। प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा फ्राई कर देने पर प्याज जो है सांभर में घुल जाता है। तो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, हमें प्याज को घुलने नहीं देना है। तो प्याज जो है फ्राई हो चुका है। अब हम कुछ सब्जियां हमने लिया है, जिसमें है कद्दू। ये ग्रीन वाली कद्दू है, इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये लौकी है, इसे भी हमने टुकड़ों में ही काटा है। और ये बैंगन। सब्जियां आप अपने मनपसंद के डाल सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, सहजन हो गया, इन सबको आप सांभर में डाल सकते हैं। और इन सारी सब्जियों को हम अब कढ़ाई में डाल देते हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाएं। इन सारी सब्जियों को हम 1 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक सब्जी फ्राई हो चुकी है। अब इस पर हम ढक्कन चढ़ा देते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके हम चेक कर लेते हैं। सब्जी में है हल्के हल्के पानी छोड़ने लगे हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। सब्जी के अनुसार ही डालेंगे क्योंकि दाल में हमने पहले से भी नमक डाला है। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस पर ढक्कन चढ़ा देते हैं और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेते हैं। ढक्कन हटाने के बाद इसे हम चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जी जो है हल्के हल्के पानी छोड़ दिया है और सब्जी का क्वांटिटी कम हो गया है। एक बार फिर से हम इस पर ढक्कन चढ़ा देते हैं 2 मिनट के लिए। ढक्कन हटाने के बाद सब्जी को हम एक बार चला लेते हैं। पानी छोड़ने की वजह से सब्जी जो है 80% पक जाती है। अब इसमें हम 2 चम्मच सांभर मसाला डाल देते हैं, भर भर के डालेंगे। और टमाटर 2 कटे डाल देते हैं, इसको हमने टुकड़ों में काट करके डाला है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर टमाटर जो है पानी छोड़ने लगता है और मसाले जो है अच्छे से भुन जाते हैं। अब इस पर हम ढक्कन चढ़ा देते हैं और दाल को चेक कर लेते हैं, दाल पका है या नहीं। तो दाल जो है अच्छे से पक गया है। दाल को देखने से लग रहा है कि साबुत है। तो इसे हम मथनी से मथ लेते हैं ताकि अच्छे से ये घुल जाए। सांभर में दाल जो है पता नहीं चलता है कि उसमें दाल डाला हुआ है। तो इसे हमने अच्छे से मथ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे हमने मथ लिया है। अब हम सब्जी को चला लेते हैं और इसी में दाल को डाल देते हैं। सब्जी जो है अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो चुका है। हम दाल को डाल देते हैं। अरहर दाल से सांभर जो है काफ़ी टेस्टी बनती है। दाल को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, गाढ़ा या पतला, आप अपने अनुसार सांभर में पानी डाल सकते हैं। अगर सांभर गाढ़ी हो जाए तो इसमें आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी नहीं डालें, ठंडा पानी से सांभर जो है लटपटी नहीं रह पाती है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं 1/2 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस पर हम ढक्कन चढ़ा देते हैं। 5 मिनट तक उबलने देते हैं। यहाँ पर हमने इमली लिया है और इसको हाथों से मैश कर लिए हैं। एक बर्तन में छननी लेंगे
और उसी में इमली को डाल देते हैं और इसे चम्मच की सहायता से इमली को प्रेस करते रहेंगे। जो मुलायम इमली है वो नीचे छन्नी में छन जाता है, जो रुखड़ा रहता है ऊपर छन्नी में रह जाता है। तो जिस कटोरी में हमने इमली को लिया था उसी में पानी डाल करके छन्नी पर डाल देते हैं ताकि जो भी मुलायम इमली के गुदे हैं वो नीचे छन्नी में छन जाए, जो रुखड़े हैं ऊपर ही रह जाए। इमली जो है खट्टी होती है और सांभर में टेस्ट काफ़ी अच्छी लाती है। इमली का पानी बन करके तैयार है, इसे हम सांभर में डाल देते हैं। 5 मिनट तक सांभर जो है उबल चुका है और इसे हम अच्छे से मिक्स भी कर लिए हैं। इमली के पानी बिना सांभर जो है बिल्कुल ही अधूरा है, टेस्ट नहीं आता है। तो आप इमली का पानी ज़रूर डालें। तो इसे हम डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि इमली जो है सांभर में अच्छे से घुल मिल जाए। ढक्कन हटा लेते हैं, 2 मिनट हो गए हैं और इसे हम चला लेते हैं। ये सांभर चावल, डोसा, इडली, मेदू बड़ा के साथ खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सांभर बन करके तैयार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।